हेलो, वेलकम टू अनीतास किचन। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं बहुत जल्दी अपनी रेसिपी लेके आने वाली हूँ और मैं बहुत जल्दी अपनी रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के परांठे। जनरली मेथी के परांठे तो सबको बनाने आते ही हैं, पर इसके साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बो है, वो है लहसुन की चटनी। वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, प्लेन आटा, और ये है लाल मिर्च पाउडर है, ये नमक है स्वादानुसार, ये थोड़ा सा बेसन लिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मेथी है, इसको मैंने काट के रफली चॉप्ड किया है और धो लिया अच्छे से 2-3 पानी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। चलिए हम करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। चलिए देखिए, आटे में हम सबसे पहले नमक मिला रहे हैं, स्वादानुसार हम नमक मिलाएंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच नमक, क्योंकि ये स्पून बहुत छोटे हैं। और ये देखिए, अब 4 चम्मच नमक मेरे हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ चिल्ली पाउडर, ये भी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं, थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, तो हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। और ये साथ के साथ अब मैं इसमें बेसन डाल रहे हैं हम, देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कुकिंग में मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया था मेरी आई सर्जरी हुई है, तो मेरी कुकिंग में पूरी हेल्प कर रहा है। कुकिंग उसको ऑलरेडी आती थी, पर अब बहुत कुछ वो सीख गया है, और देखिए उसके हाथ की कुकिंग इस पर ही। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। ये मेथी हमने डाल दी, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे को मेथी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेथी के परांठे बनाने जा रहे हैं, तो हम इसमें मेथी अच्छे से डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, ताकि जितना पानी हमें चाहिए हो उतना हम डालेंगे इसमें। ये मिक्स हो गई है मेथी अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फिर ढीला हो जाएगा आटा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको गूंद लेंगे। देखिए आटा हमारा गूंद गया है, इसको हल्का सा हम तेल लगा के सेट कर देंगे। ऊपर हमने हल्का सा तेल लगा दिया, और ढक के हम इसको 10 मिनट्स के लिए रख देंगे आटे को सेट होने के लिए। अब हम बनाते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स, जो इसका है लहसुन की चटनी, जो बहुत टेस्टी होती है। देखिए ये है लहसुन की चटनी के इंग्रेडिएंट्स। ये दही लिया मैंने, आपने अकॉर्डिंग जितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग आप दही ले सकते हैं। थोड़ी सी मेथी है, और ये नमक है, ये है लहसुन, लहसुन का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये मिर्च है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको हम सिल बट्टे पे या मिक्सी पे नहीं पीसेंगे, उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसको हम कूटेंगे। देखिए बनाना शुरू करते हैं लहसुन की चटनी। ये मेरे पास कूटने वाला है, इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा कूटेगा तो बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आता है, बारीक पिसा नहीं आता। ये लहसुन मैंने डाल दिया है, ये थोड़ी सी मेथी है, मेथी आप ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा होगी तो वो कड़वी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने 1 छोटी कड़छी के बराबर ये मेथी ली है, और इसको हम धीरे धीरे कूटना शुरू करेंगे अच्छे से। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसको खा के देखिए मेथी के परांठे के साथ, जो कि नया है और बहुत अच्छा है। बहुत सारी फ्रेंड्स ने मेरे ये खाया रेसिपी पहले पूछ के, मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिसने ये बहुत तारीफ़ की है मेरी, वो प्लीज़ यहाँ पर आकर के मेरे को कमेंट्स करेंगे। इसको थोड़ा कूटने में थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मिक्सी में चलाने में एकदम बिल्कुल बारीक हो जाएगा, इसका फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखिए चटनी हमारी अच्छे से कूट चुकी है, देखिए बिल्कुल बारीक नहीं हुई, थोड़ी मोटी है, ऐसे ही आप पीसिएगा। देखिए इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं दही में, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मेंबर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये मैं 2-3 जनों के लिए बना रही हूँ, और ये मैं दही में डाल दूँगी, सारा मिक्स कर लूँगी अच्छे से। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूँगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालना इसमें। और ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, ये थोड़ी सी पीसी मिर्च है, बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। ये मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने परांठे में भी डाला है इसलिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये चटनी बनके तैयार है। इसको आप मेथी के परांठे के साथ खाइए, इसका कॉम्बो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
आप कोई और चटनी भूल जाएंगे अगर ये आप बनाओगे तो, मेथी के उसके साथ बहुत मज़ा आता है। ये थोड़ा सा मैं काला नमक डाल रही हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, ये थोड़ा सा काला नमक का भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ा सा ही डाला मैंने, आधा चम्मच। ये मेरी चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे को बताइएगा ये कैसी लगी आपको। देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, इसको हम एक बार और अच्छे से मल लेंगे हम इसको। ये देखिए अब हम थोड़ा सा इसमें बर्तन लगाएंगे। सूखा आटा जितनी बड़ी आपको बनानी है, ये मैंने नींबू से थोड़ी बड़ी ली है, इसको हम अच्छे से गोल कर लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लेंगे। हल्का सा इस पे ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, और बर्तन लगा के इसको हम बंद कर देंगे। थोड़ा ये क्रिस्प बनता है अगर हम बर्तन लगाते हैं आटे के अंदर। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हम हाथ में इसमें डस्ट लगाएंगे और इसको हम ऐसे पेड़े बना के फ्लैट करके रख देंगे। देखिए इस तरीके से, जितने बड़े आपको या जितने पतले आपको खाने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से मैं एक और बना के दिखाती हूँ, और इसको मैंने फ्लैट कर लिया। थोड़ा सा मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लगाया इसमें घी, एक फिंगर के करीब बस, और इसको मैं सील कर लूँगी अच्छे से, और इसको भी मैं गोल कर लूँगी। इसी तरह मैं सारे बना के रख लूँगी जितने हमें खाने हैं। देखिए बिल्कुल फ्लैट हो गया ये। देखिए पराठा बनाना हम शुरू करते हैं। ये मैंने रोटी मेकर ले लिया है कि इजी रहे आजकल। ये मैंने ये प्री हीट करने के लिए रख दिया रोटी मेकर। ये जो रेड लाइट चल रही है, ये जब तक जलेगी, जब तक ये प्री हीट होगा, इसको बंद करने के बाद हम इस पे पराठा डालेंगे, और इसमें बेलने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए रेड लाइट बंद हो चुकी है, इट मीन्स हमारा ये रोटी मेकर प्री हीट हो चुका है, अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम ये एक पेड़ा रखेंगे, इसमें बहुत अच्छे पराठे वगैरह बनते हैं। ये देखिए ये मैंने पेड़ा रख दिया हमने, और इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे, बेलने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा ये बिला है, हर तरफ से गोल है ये, और ना इसमें जलने का डर है ना कुछ है, बहुत अच्छे से। मैं आजकल इसी पे हमारे घर में रोटी बन रही है, पराठे बन रहे हैं इस पे, और हम इजीली इसको ड्राइंग रूम में लेके बैठते हैं और गरम गरम हम रोटी खाते हैं। इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि हम काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें। रोटी हमारी इसमें फुलका बिल्कुल फूल के बाहर आता है। देखिए एक साइड से हम सीखने का इसका इंतज़ार करेंगे, ये 2-3 सेकेंड लगेंगे इसको सीखने में, ये आपको पता चल जाएगा एक साइड से सीख गया है। अब हम इसको टर्न कर देते हैं, ये देखिए हल्का सा सीख गया इसको। दूसरी साइड से हम थोड़ा सा 5 सेकेंड ज़्यादा सीखेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा इस पे ये अप्लाई करेंगे रिफाइंड, इसमें तेल भी बहुत कम लगता है, आप चाहो तो बिना तेल के भी इस पे बना सकते हो, और बाद में आप बटर घी जो भी आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा रिफाइंड कनोला यूज़ करती हूँ मैं, वो मैंने लगाया है इसमें, और ये देखिए बबल्स आ रहे हैं इसमें। इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ही सीख जाए। अब हम इसको टर्न करेंगे, ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा सीख गया है, ना बेलने का झंझट ना किचन में खड़े होने का झंझट, बहुत यूज़फुल है। जब से मेरे घर में आया है ये आई सर्जरी मेरी हुई, तब से ही यूज़ हो रहा है। अब सेकंड साइड भी हम इसको थोड़ा सा ऑयल हम अप्लाई करेंगे, बहुत थोड़ा सा हम करते हैं, बहुत कम खाते हैं ऑयल हम। ये देखिए थोड़ा हम प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चारों तरफ से सीख जाए, और हम इसको बंद कर देंगे ताकि दोनों साइड से, वो भी हीट हो चुका है इसका जो ढक्कन है, और ये अच्छे से, ये देखिए धुआं निकलता है आप देख रहे हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक जाता है ये। देखिए बहुत अच्छे से सिक रहा है ये।
काफ़ी आराम हो गया मुझको इससे लेने से। आप ये मेथी के परांठे ज़रूर बनाइएगा, वो तो आप बनाते हैं, लेकिन इसके साथ लहसुन की चटनी नई चीज़ है जो आप बना के खाइए और मुझे बताइए वो आपको कैसी लगी है। इसी तरह मैं बहुत नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी, लेकिन मेरे को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपको इसके बारे में, रोटी मेकर के बारे में पूछना है तो मैं बहुत डिटेल में आपको बता सकती हूँ। और हाँ, ये देखिए परांठा बिल्कुल सीख गया है, या हम इसको आप प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए परांठे बनके हमारे तैयार हैं, एंजॉय करिए लहसुन की चटनी के साथ। देखिए आप कितने पतले परांठे बने हैं, आप जितना पतला इसमें बना सकते हो, और कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए कितने अच्छे परांठे बने हैं, ना कहीं से जले हैं और ना कच्चे रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, और मेरे को अपने सजेशन देते रहिए। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिएगा, मैं फिर आऊँगी आपके पास एक नई रेसिपी लेके। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय एंड टेक केयर।